शुरू कर। शुरू करा सर, शुरू करा। नमस्कार, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मार्फत ऑगस्ट 23 ऑगस्ट 7 दिवसांचा हा जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर स्मृती विवेक विचारांचा सागर आपण करतोय, त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आज एका महत्वाच्या विषयावरती संवाद करण्यासाठी आपण सगळेजण एकत्र आलेलो आहे। आपल्याला कल्पना आहे की ऑल इंडिया पीपल सायन्स नेटवर्क च्या पुढाकाराने आणि महाराष्ट्र आनिसच्या सारख्या विज्ञानवादी संघटनांच्या सहभागाने 20 ऑगस्ट हा दिवस राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोन दिवस गेली 3 वर्षापासून ऑब्झर्व केला जातो। त्या पार्श्वभूमीवरती आज वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांना आपण महाराष्ट्र आनिसच्या या मंचावरती आमंत्रित केलेलं आहे। त्यांच्या त्यांच्या राज्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी ते जे काम करतात ते समजून घेणं हे या कामाचा आजच्या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट आहे। तो मैं सभी जो आज के हमारे मेहमान हैं दिल से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम के हमारे जो अध्यक्ष है विवेक मोंटेरो सर, इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव कमिटी सदस्य है, उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है ये नेशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट डे के बारे में। दूसरे जो हमारे आज हमसे बात करेंगे काशीनाथ चटर्जी सर, जो झारखंड से है और भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय है जो बहुत बड़ा विज्ञानवादी संगठन है उसके सेक्रेटरी है, उनका भी स्वागत। पंजाब तर्कशील सोसाइटी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है महाराष्ट्र अंधविश्वास समिति का। जसवंत मोहाली सर पंजाब से ज्वाइन हुए हैं हमें, वो तर्कशील का जो मैगजीन है उसके एडिटर बोर्ड पे है। केरला साहित्य शास्त्र परिषद से मिस्टर ओएमएस शंकरन में ज्वाइन हुए हैं। तो इन सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और हमारे अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सदस्य श्री अन्ना कडलस्कर को विनंती करता हूं कि वो एक गीत से इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। ओवर टू अन्ना। हाँ तो सुना है कथित सिद्धांत बंद करो थोड़ा। नमस्कार साथी, आप सभी को पता है कि आज का जो प्रोग्राम है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के क्षेत्र में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और जिन्होंने अपना प्राण तक न्योछावर कर दिया उनकी शहादत में, उनके याद में हम लोग 20 अगस्त का दिन साइंटिफिक टेम्परामेंट दिन के नाम पे पूरे भारत भर में सेलिब्रेट करते हैं। और ये काम हम महाराष्ट्र आनिस के लोग अकेले नहीं करते, हमें पता है कि पूरे देश भर के बहुत सारे अलग अलग हमारे जैसे विचार वाले संगठन भी इस तरह का काम करते हैं। और उन्हीं संगठनों में से कुछ चुनिंदे संगठन के प्रमुख या प्रमुख साथी हमारे साथ मौजूद है। और ये काम तभी संभव होता है कि जब हमारे मन में विश्वास हो, आत्मविश्वास हो। इसी विषय पर मैंने एक गीत लिखा था जो गीत 2019 में मैंने गाया था पहली बार, वही गीत मैं आपके सामने बता पेश कर रहा हूं। अंधेरे से चल देंगे हम उजाले के दम पर, अंधेरे से चल देंगे हम उजाले के दम पर, बदल देंगे दुनिया ये भरोसा है हम पर, बदल देंगे दुनिया ये भरोसा है हम पर।
कोशिशें जमाने की, मशाले बुझाने की, ताले जड़ाकर सारी रोशनी छुपाने की, उन्हें ना पता है उन्हें ना पता है सूरज फिदा है हम ही पर, बदल देंगे दुनियाएं भरोसा है हम पर, अंधेरे से चल देंगे हम उजाले के दम पर, बदल देंगे दुनियाएं भरोसा है हम पर, गुमराह करती राहें हमें भी पता है, भरे भी गलियां सारी हमें भी पता है, निगाहें परिंदे की निगाहें परिंदे की हम चलेंगे लेकर, बदल देंगे दुनियाएं भरोसा है हम पर, अंधेरे से चल देंगे हम उजाले के दम पर, बदल देंगे दुनियाएं भरोसा है हम पर, सत्यमेव जयते नारा जीता है हमेशा, धोखेबाज चाहे जितना करेंगे तमाशा, सत्यमेव जयते नारा जीता है हमेशा, धोखेबाज चाहे जितना करेंगे तमाशा, लड़ेंगे बुराई से लड़ेंगे बुराई से हम सच्चाई के दम पर, बदल देंगे दुनियाएं भरोसा है हम पर, अंधेरे से चल देंगे हम उजाले के दम पर, बदल देंगे दुनियाएं भरोसा है हम पर, बदल देंगे दुनियाएं भरोसा है हम पर, बदल देंगे दुनियाएं भरोसा है हम पर। धन्यवाद। धन्यवाद अण्णा। अण्णा महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति के बहुत दिनों से कार्य करता रहे हैं और मुझे लगता है कि जो आवाज दिल से निकलती है वो दिल को छू लेती है। हमने ये जो बोल अण्णा के सुने, उसी कोशिशों में जुटे हुए हम सब लोग हैं, वही दुनिया बदलने का सपना ख्वाब लेके काम करने वाले हम सब लोग हैं। तो इस प्रोग्राम का प्रास्ताविक करने के लिए, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स आप सबके सामने रखने के लिए, मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो स्टेट कमिटी मेंबर है, एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर है, डॉक्टर अशोक कदम सर को इनवाइट करना चाहता हूं। ओवर टू डॉक्टर अशोक कदम। थैंक यू हमीद सर। एम आई ऑडिबल? माझा आवाज येतोय का? येस येस, यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। एज यू नो द मेंबर्स एंड स्पीकर्स आर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, सो आई वुड लाइक टू मेक द प्रिपरेटरी स्पीच इन इंग्लिश इफ यू अलाउ मी। ओके, या लेट मी पुट ऑफ माय वीडियो सो दैट यू विल बी क्लियरली ऑडिबल। Honorable Chairperson of the webinar, Dr. Vivek Montero, who is the central member of All India People's Science Network, and the speakers, OMS Shankaran, who is the president of Kerala Sahitya Parishad, respected Jaswant Mohaliji, the co-editor of Tarkshil Monthly, Punjabi Monthly, respected Kashinath Chatterjee, secretary Bharat Jnan Vidnyan Samudaya Jharkhand, and members of Andhasraddha Nirmulan Trust and Andhasraddha Nirmulan Samiti state executive committee members, all participants, friends and comrades.
We have gathered here for the webinar on scientific empath. The topic of today's webinar is the role of scientific organizations in inculcating scientific temper. अर्थात वह आज का परिसंवाद का विषय है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीज बोने में विज्ञानवादी संगठन की भूमिका. Friends, we are observing 8th death anniversary of the founder president of Maharashtra Andhra Sadhana Nirmulan Samiti, late Dr. Narendra Dabholkar. He was a physician, social activist, and a rationalist. As we all know, he was brutally murdered on 20th August 2013 in Pune. He laid down his life for the cause of propagating scientific temper among the people. So, in 2018, All India People Science Network, a coalition of 38 organizations, decided to observe 20th August as National Scientific Temper Day to commemorate Dr. Narendra Dabholkar's contribution to the development of scientific temperament among the people. I would like to begin my preparatory with the clause that explicitly sheds light on adopting scientific temper in our constitution that added under the fundamental duties in Article 51. It states, I quote, "It shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform," unquote. Arthat, vaidyanik drishtikon aur jnanarjan ki bhavna ka विकास करना है, ये हमारा कर्तव्य है. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पैशनेटली फील्स दैट सोसाइटी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द सकल्स ऑफ फेटलिज्म, सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ्स. फ्रेंड्स, वी नो हाउ सुपरस्टिशंस आर हर्डल्स इन ह्यूमन प्रोग्रेस. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हैज बीन स्ट्राइविंग हार्ड टू इम्बाइब एंड इंस्टिल the scientific temperament and rationalism among people for last 32 years. Comrades, to eradicate superstitions, you need to know what is scientific temper. In simple words, scientific temper means believing anything to the extent of the evidence. In Hindi, mein main bata sakta hun, ye jo karyakaran bhava hai, kaun si bhi ghatit ghatna ke piche karan ho sakta hai. Isiliye जितना प्रमाण है, जिसका प्रमाण है उसी पर ही विश्वास भरोसा रखना है. दैट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट इन सिंपल वर्ड्स. इट स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनिस इज टू इनकल्केट एंड प्रोपोगेट साइंटिफिक आउटलुक, स्केप्टिसिज्म, ह्यूमैनिज्म एंड क्रिटिकल थिंकिंग. इट इज अ मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल एंड इट हैज द लीगेसी ऑफ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स and rationalists like Gopal Ganesh Agarkar, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Mahatma Jyotirao Phule, and the saints like Gadge Maharaj, and the intellectual and thinkers like late Dr. Narendra Dabholkar at modern times. Scientific outlook or scientific temperament is not a mechanical process. It contains human values like modesty, independence, exactitude, and fearlessness. So it is the duty of every citizen to adopt scientific temperament, and it should be the core part of our education. Friends, Maharashtra Andhasrada Nirmulan Samiti is doing its best to eradicate prevailing superstitions, inculcate scientific temper, and instill value-based rationalism among the people. Maharashtra Andhasrada Nirmulan Samiti in Maharashtra regularly conducts teachers training workshops all over Maharashtra every year. These trained teachers in turn teach the students the importance of it. It is not a reactive and negative movement, but a proactive campaign that provides alternatives and remedies to the social practice and traditions. Friends, current situation is not conducive to the development of scientific temperament. Those who are supposed to shape and cultivate the scientific outlook are under tremendous political pressure and safe stand. Like
द रॅशनलिस्ट अँड थिंकर्स लाईक अस इवन टुडे वी हॅव द स्पीकर्स हु विल डेफिनेटली स्पीक अप अगेन्स्ट दिस रिप्रेसिव्ह अँड एक्सप्लॉयटेटिव्ह ऍटमॉस्फिअर इन द कंट्री अँड दे आय एम शुअर दीज ऑर्गनायझेशन्स हॅव बीन यु नो हॅव बीन प्लेईंग द रोल ऑफ टॉर्च बिअरर्स. I would like to draw your attention towards one recent development that is obstructing our way to rationalism. Indira Gandhi National Open University, which is centrally funded, has introduced astrology as a new subject to postgraduate level. In future, attempts will be made to introduce this paper in all other institutes too. Maharashtra Andhrasradha Nirmool Samiti has opposed to the incorporation of such pseudo-scientific subjects in university curricula. So, I hope today's speakers and intellectuals will definitely shed light on such issues. Once again, I welcome all the dignitaries and speakers on behalf of Maharashtra Andhrasradha Nirmoolan Samiti. With these words, I conclude my preparatory. Thank you, one and all. Over to Amit sir. धन्यवाद डॉक्टर कदम. विथ दिस इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स आई विल लाइक टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम द प्रेजेंटेशंस. पहले हम सुनना चाहेंगे जसवंत जी मोहली से, जो जैसे मैंने बताया आपको कि तर्कशील पंजाब से जुड़े हुए हैं. तर्कशील पंजाब का जो मैगजीन है उसके एडिटोरियल बोर्ड पे है. खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बजाय एक ना काम करते हुए गए 30 सालों से वो इस तर्कशील सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और कोविड के टाइम्स में बच्चों तक साइंटिफिक टेम्परामेंट पहुंचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने किए हैं. तो तर्कशील जिस तरीके से काम करती है गए 30 सालों से पंजाब में हरियाणा में, तो बहुत ओवरलैप है महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति के जो काम है उसमें और तर्कशील के काम में. तो हम ऐसे ही समझते हैं कि वो हमारे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई पंजाब में रह गए. तो वो है. तो मैं जसवंत सिंह मोहली से विनती करूंगा कि वो अपनी बात रखे. जी शुक्रिया हामिद जी. हामिद जी आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ एकदम ठीक आ रही है. सुन पा रहे? ठीक है शुक्रिया जी. दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैं कुछ नोट्स बना रहा था ना कि इसके लिए, तो बच्चे मेरे को कहने लगे कि पापा बहुत सीरियसली बना रहे हो नोट्स इसके लिए. तो मैंने कहा बच्चे अगर मन की बात करनी हो तो तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, अगर काम की बात करनी हो तो तैयारी की जरूरत पड़ती है. तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ. शहीद डॉक्टर नरेंद्र दभोलकर, वो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आम जनमानस का हिस्सा बने वैज्ञानिक सोच इस काम के लिए लगा दी और इसी के चलते उन्होंने अपने जान न्योछावर कर दी. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आज ये जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है, पूरा हफ्ता भर सप्ताह भर चलने वाले ये प्रोग्राम हैं और उसी कार्यक्रम में हम जुड़े हुए हैं. आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम. अपनी इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा और एडअप करना चाहूँगा कि अभी 8 अगस्त को हमारी तर्कशील सोसाइटी पंजाब का की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो देश विदेश में हमारे जैसी और संस्थाएं काम कर रही हैं इसी तरह का, उनसे तालमेल बनाने का बढ़ाने का कार्यभार भी मुझे सौंपा गया और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने मुझे ये अवसर दिया आप लोगों से रूबरू होने का, जो और संस्थाएं इस देश में हमारे देश में और काम कर रही हैं और कार्यकर्ता हैं उनसे रूबरू होने का, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. और मेरे को याद है शायद 2019 में
तर्क सोसाइटी पंजाब के उस समय के अध्यक्ष रजेंद्र पठौड़ को भी सम्मानित किया गया था उनके काम को देखते हुए, उसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी हैं। और हमको बहुत प्रेरणा मिलती है, हम बहुत उत्साहित होते हैं और हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम अपना काम और निष्ठावान होकर करें। महाराष्ट्र राम शरदा निर्मूलन समिति, जिसको मैं छोटे में शायद मानस कहूं तो गलत नहीं है, तो मानस के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत डॉक्टर नरेंद्र दभोलकर जैसी, उन्होंने इस समिति का गठन किया। और जितनी भी संस्थाएं देश में काम कर रही हैं, मेरे को लगता है कि मानस उन सब में अग्रणी है और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। 20 अगस्त 2013 वो मनहूस दिन था, वो बुरी खबर उस दिन सुबह हमको मिली। सच कहूं दोस्तों तो उससे पहले डॉक्टर नरेंद्र दभोलकर का नाम या उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए संदेश मिला उसकी ग्रेविटी बता रही थी कि ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और जब मैंने सोशल मीडिया के जरिए जानने की कोशिश की, तो मैं जैसे जैसे उनके काम के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में और अपने काम से उनका जुड़ाव और प्रतिबद्धता के बारे में जैसे जैसे जानता गया, मेरे दिल को गहराइयों से उस लॉस का, उस क्षति का एहसास होता चला गया कि हमने कितनी बड़ी शख्सियत को खो दिया है। अगर मैं कहूं कि उससे पहले भी जो डॉक्टर दभोलकर है उनको जान से मारने की धमकियां मिलती रही थी और उनको सुरक्षा गार्ड लेने की बात भी किसी समय चली थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। और सुरक्षा लेने से मना कर दिया जो उसके लिए दो बड़े कारण थे, और अगर आप उन कारणों को थोड़ा गौर से विचार करें जिन वजह से उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया, तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र दभोलकर की जिंदगी में फैसला लेने में रैशनलिज्म का वो जो रास्ता दिखाता था, रैशनलिज्म, वो सच में एक ट्रू रैशनलिस्ट की स्पिरिट नजर आती है। उन दो कारणों में एक कारण तो ये था, वो कहते थे कि मैं जो काम कर रहा हूं वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही है, हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां करके फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच हासिल किया है, और संविधान की आर्टिकल 51A तो कहता है टू स्प्रेड साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग द मासेस और स्पिरिट टू इंक्वायरी की बात करता है। तो इन बातों के चलते अगर खतरा है तो गलती आप लोगों की है, तो उसके लिए सिक्योरिटी नहीं लेनी मेरे को। और दूसरा जो कारण था वो और भी दिल को छू लेने वाला है। उनका ये मानना था कि मैं अकेला ही ये काम नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में मेरे जैसे और लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का काम कर रहे हैं। तो मैं सुरक्षा लेकर वो काम करूं और बाकी सभी लोग उसी खतरे में वो काम करते रहें, ये उनको अनफेयर लगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इन दो कारणों की वजह से उन्होंने सुरक्षा नहीं ली, और इस असूल पर चलने के लिए, इस असूल पर अडिग रहते हुए उन्होंने अपनी जान की कीमत भी उनको चुकानी पड़ी। ये अलग बात है, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हम उनके कातलों को, जो उनके कातल हैं उनको हमारी न्याय व्यवस्था सजा नहीं दे सकी। और उसके फौरन बाद पुलिस तंत्र ने क्या कहा था कि कातलों की पहचान नहीं हुई है। और मेरे को याद है कि हमने जलंधर शहर में बहुत बड़ा मार्च निकाला था और उस प्रदर्शन में, रोष प्रदर्शन में
हमारे उस समय के अध्यक्ष राजेंद्र पथावड़ जी ने एक बात कही थी, वो भी मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि ये बात आपके लिए ठीक होगी कि कातलों की पहचान नहीं है, लेकिन हम उन शक्तियों से भली भांत वाकिफ हैं जिनको डॉक्टर नरेंद्र दबोलकर की सोच और उनके कामों से तकलीफ थी। उनके कहने का मतलब था ये ठीक है कि कातल जो दे रिमेंड अनट्रेस्ड बट दे आर नॉट अनरिकॉग्नाइज्ड एट ऑल। तो दोस्तों अब कुछ बातें उस मिशन के बारे में भी मैं करना चाहता हूं कि ये वैज्ञानिक चेतना का जो हम काम करते हैं वो इतने महत्व का है क्यों, ये ऐसा काम क्यों है कि वो करते हुए आपको खतरों का सामना करना पड़ता है। आप कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे जो गैर संविधानिक हो, गैर सामाजिक हो, या देश के या लोगों के विरुद्ध हो। अगर ऐसा काम कर रहे हो और आपको खतरा हो तो बात समझ में आती है। अगर आप किसी को बताते हो कि भाई आपके मर जाने के बाद आपके अंदर से कोई आत्मा नहीं निकलती है, कोई भूत प्रेत नहीं बनता है, और किसी संत साधु के पास ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो आपकी सेहत का, आपकी बीमारियों का, आपके रोजगार का कोई समाधान कर दे, अगर ये 21वीं सदी में साधारण सी बातें बताने के लिए भी हमको खतरा है, तो ये सोचने की बात है कि ये बातों में इतना खतरा है कि हमको जान की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो इस बात के लिए हमको, इस प्रश्न को हमको सोचना चाहिए कि संविधान की धाराओं का निर्वाह करते हुए भी ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो हम बात लोगों में ले जाना चाहते हैं वो इतनी खतरनाक क्यों है। और उसी समय जब मैं पढ़ रहा था नरेंद्र दुभोलकर की लिखतों को, तो दूसरी बात जो इसी सवाल का जवाब है जो उनकी लिखतों में पड़ा हुआ है, उन दिनों में अन्ना हजारे की जो मूवमेंट चल रही थी उसके बारे में वो कहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार की इस लड़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। आप महंगाई की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप अपने सैलरी बढ़ाने के लिए लड़ो, आप अपने यहाँ काम कर रहे हो वहाँ की हालात सुधारने के लिए काम करो, तो लोग आपके साथ हो लेते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे हित की बात है। मगर जैसे ही आप वैज्ञानिक चिंतन की बात करते हो तो उनको ये बात समझ में नहीं आती कि उनके हित में है ये बात की, मतलब उनके सोचने का ढंग और आपके सोचने का ढंग एकदम विपरीत है, ये धारा के उल्ट बहने की तरह है। तो ये मतलब दोनों में, समाज के सोचने के ढंग में और आपके सोचने के ढंग में एक फर्क आ जाता है। और अगर आप जो हमारे भारतीय समाज में अगर आप लोगों की दिनचर्या को देखें और देखें कि वो कौन कौन से सुपरस्टिशन करते हैं, कौन कौन सी रस्में करते हैं, अगर आप लिस्ट बनाओ उन सब की, जैसे रेकी हो गया, नगों अपनी मुंदरियों में नग डालना हो गया, या हमारे यहाँ आपके यहाँ भी शायद होता होगा कि सैटरडे के दिन नींबू मिर्ची टांगना, किसी दिन का, किसी रंग का, किसी अंक का अच्छा या बुरा होना, मतलब ये एक लंबी लिस्ट है। और अगर आप उस लंबी जसवंत जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ, शायद रेंज की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। जसवंत जी आप है हमारे साथ? कदाचित त्यांना फोन आलाय किंवा डिस्कनेक्ट झाले। हाँ, बहुत दिल से बात रख रहे थे जसवंत जी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो टेक्निकल एरर आ गया है। एक दो मिनट वेट करते हैं हम, वो ज्वाइन हो पाए तो बढ़िया है, वो अपनी बात
आगे रखेंगे, उन्हें कोई दिक्कत हो ज्वाइन होने में तो हमारे जो आगे वाले वक्ता है उनकी तरफ हम जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ पंजाब, और मुझे जैसे मैंने बोला था कि वो हमारे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई लगते हैं, मैंने बोला था, आपके ध्यान में आया होगा कि जिस तरीके का दर्द, जिस तरीके का गम अंधविश्वास उन्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं ने महसूस किया जब डॉक्टर दाभोलकर को मारा गया था, उसी तरीके का गम और उनको, उनके कातिलों को पकड़ने जाने के लिए उसी तरीके की कमिटमेंट, महाराष्ट्र में काम करने वाला एक शख्स मारा जाता है और जलंधर में मोर्चा निकाला जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी में जो हमारे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के सभी थॉट्स उपलब्ध हुए हैं, उसका भी मुझे लगता है कि इस के बारे में बहुत बड़ा प्रभाव है कि वो वहां तक पहुंच पाए। जसवंत जी, आप ज्वाइन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम है, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ काशीनाथ चटर्जी सर है, जो भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय के सेक्रेटरी है, खुद झारखंड से है, और जब झारखंड और बिहार एक स्टेट था तब बिहार के एक इम्पोर्टेंट कॉलेज, यूनियन कॉलेज के वो प्रिंसिपल रह चुके हैं। ऑलमोस्ट 40 सालों से, 4 decades से वो सोशल मूवमेंट्स में एक्टिव है, ज्यादा करके लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी कैंपेन में उन्होंने पायोनियरिंग काम किया है। भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय की तरफ से जो भी वैज्ञानिक मनोभाव के बीज बोने के बारे में काम किया जाता है, उसके बारे में हम, आप हमें उद्बोधित करें, ऐसी मैं आपको विनंती करता हूँ। और काशीनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमीद दाभोलकर, जो हमारे साथ लंबे समय तक भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ मिलकर के वॉलंटियर्स को मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण देते रहे हैं। उनका टीम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विवेक मोंटेरियो जी, जो हमारे साथी हैं और लगातार जन विज्ञान आंदोलन में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पहले 3 प्रमुख बातचीत आई, पहले तो अन्ना जी को हम बहुत, जसवंत जी आ गए हैं तो हम अपने बात को शुरू रखें कि मैंने एक मिनट हम जसवंत जी से पूछते हैं। जसवंत जी, आप हाँ जी सर ये तो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो हम हाँ जी okay, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। काशीनाथ सर जी एकदम पहले कंटिन्यू कर लें। जसवंत जी, आपके बातें जो है वो 3 या 4 मिनट के अंदर आप पूरी कीजिए। ठीक तो मेरी बात पूरी हो गई थी, काफी हद तक चल रही थी पहले, ठीक चल रही थी क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। ओके, बीच में अचानक से ही शायद डिस्कनेक्ट हो गया ना। हाँ ठीक है मैं 3-4 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। हेलो, आ रही है आवाज जी मेरी? बिल्कुल ओके, थैंक यू, बोलिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का काम है वो इसलिए मुश्किल है कि हर एक तरह से धारा के विपरीत बहने जैसा है। जो हम धर्म द्वारों के ऊपर भीड़ देखते हैं वो धार्मिकता की प्रतीक नहीं है, वो है जो समाज में अनहैप्पीनेस है, वो नाखुशी की है, जो धर्म द्वारों के ऊपर भीड़ हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो भय में जी रहा बंदा होता है उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात समझाना वो अपने आप में मुश्किल काम इसलिए हो जाता है कि जैसे ही आप उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कहते हो उसको लगता है कि मेरी तो सुरक्षा चली गई, तो वापस वहीं आने की कोशिश करता है। और दूसरी बात यह कि हमारे पास इस बिगड़े हुए सिस्टम के बहुत सारे जो समस्याएं हैं सेहत सुरक्षा रोजगार की, उनका कोई शॉर्टकट रास्ता हमारे पास नहीं है कि हम उनको बता सकें कि ऐसे आपका जो है समाधान हो जाएगा। और इसलिए वो बाबा के पास चला जाता है क्योंकि उसके पास झूठ के सपने हैं जो उसके मन को फौरी तौर पर राहत देते हैं। लेकिन झूठ के सपने तो झूठ के ही होते हैं, वो टूट जाते हैं और फिर निराशा में चला जाता है। तो हमारे लिए वैसे काम करने की स्पेस जो है वो हमेशा बची रहती है।
क्योंकि बहुत सारे लोग तो वैसे ही समझ रहे होते हैं और बहुत सारे लोग जो उनके चुंगल में फंस भी जाते हैं इस तरह के, वो कभी ना कभी निराश होकर वापस हमारे पास या हमारी बात उनको समझ में आने लगती है। तो आपको मैं अपनी संस्था के भी जो हमारे, इसलिए ये जो काम है ये मुश्किल होता है और ये काम करने के लिए हमको खास तौर पर मिशन की तरह काम को लेना पड़ता है। मतलब अंधविश्वास और वहम भरम या सुपरस्टिशंस जो हैं वो अपने आप फैलते चले जाते हैं, उनको किसी को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक तरह से जो घास फूस की तरह उगाते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं होगा कि आप खेत में गए और आपने देखा कनक या गेहूं या चावल की फसल अपने आप उगाई है, वो उगानी पड़ती है। इसी तरह से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का काम है वो हमको मिशनरियों की तरह करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता। अंधविश्वास का काम अपने आप चलता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लोगों को देखते हुए भी। तो एक जगह है ऐसी जहाँ जैसे कॉलेज या स्कूल है, उसमें भी क्या होता है कि हालांकि उसमें काफी कुछ ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का काम अपने आप भी होता है, लेकिन उसमें भी ये है कि एक क्लास जब खत्म हो जाती है, दूसरी क्लास में बच्चा चला जाता है, तो अपने वो किताबों वाले बैग को एक कॉर्नर में फेंक देता है जैसे उनकी डेट एक्सपायर हो गई हो, जब अब जैसे उसकी जरूरत ना हो। तो इस तरह जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो समाज में लेके जाने के तीन रास्ते हैं जो तर्कशील सोसाइटी पंजाब ज्यादातर अडॉप्ट करती है, उसमें एक है साहित्य का, किताबों का, दूसरा है कला के माध्यम से, नाटक वगैरह की तरह उससे, और एक है एजुकेशन सिस्टम यानी कि विद्यार्थियों के बीच में से जाता है जो रास्ता। तो तर्कशील सोसाइटी तीनों तरीके ही अडॉप्ट करती है। उसमें जो मुख्य काम तर्कशील सोसाइटी पंजाब ने किए हैं, उसमें जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर, वहाँ हम दो बार अपना किताबों का लिटरेचर मुफ्त में बांट चुके हैं, पहले टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर और उसके बाद चारों के चारों बॉर्डर्स पर, एक बार 6 लाख का और एक बार 4 लाख का मुफ्त में हमने लिटरेचर वहाँ बांटा है। और अब 20 अगस्त को वो जो दिन डॉक्टर नरेंद्र दुभोलकर की शहादत का दिन है, 20 और 21 को हम फिर एक बार दिल्ली के जो बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं वहाँ जा रहे हैं। और ये मैं अगर आपको शायद नजर आ जाए, ये वाला हमारा जो बैनर रहेगा वहाँ, ये पोस्टर रहेगा, और ये किताबों का जो अब इस बार हम लेके जाएंगे उसमें हर किताब 10 रुपए की ये बोलकर जाएंगे। और जो किताबें हैं हमारी उसमें किसानों की समस्याएं और जो तीन कानून पास किए गए हैं उसके बारे में और नई खेती के जो नए ढंग तरीके हैं उसके बारे में और तर्कशील जीवन जांच कैसी होती है, डॉक्टर इब्राहिम टी काऊर की किताब जो देवपुर शारगे उसका पंजाबी और हिंदी संस्करण, ये सभी किताबें हर एक किताब 10 रुपए में, या 20 और 21 को 5 लाख रुपए का लिटरेचर लेके फिर वहां जा रहे हैं और हमको हर बार वहां उनकी स्टेज से अपनी बात कहने का भी अवसर मिलता है। और दूसरा जो काम मेरे को लगता है बहुत उल्लेखनीय काम जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि हमने एक सेहत की वैन, मोबाइल वैन जो लोगों में लेके जाते हैं स्कूल कॉलेज में या फेस्टिवल और त्यौहार लगते हैं या ऐसे कहीं भी बाजार में एकत्रता होती है कहीं भी, तो वो हम पिछले सालों में 60 लाख से ऊपर का लिटरेचर लोगों में ले जा चुके हैं, 60 लाख से ऊपर का। और वो हमने एक साहित्य वैन का अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया है क्योंकि उसका काम बहुत होता है वैन का रखरखाव, किताबों का हिसाब किताब सारा, और पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट हमने वो बना दिया है। और तीसरा काम हमने जो किया वो विद्यार्थियों में जाने का था। 2017 में हमने एक परीक्षा ली विद्यार्थियों की, पहले हम एक किताब जो विद्यार्थियों के सत्र की होती है उनकी सोच समझ के अनुसार होती है, दो ग्रुप बनाते हैं, एक 8वीं कक्षा से नीचे का, एक 9वीं से ऊपर का, और हम उनको वो किताब बुक देने के बाद 2 महीने का टाइम देते हैं क्योंकि उनकी और भी पढ़ाई का काम चल रहा होता है, तो 2 महीने बाद हम उनका टेस्ट लेते हैं और उसके बाद हम उनमें से इकाई के यूनिट के लेवल पर भी कुछ लोगों को प्राइज देते हैं और स्टेट के लेवल पर भी देते हैं। तो इस तरह से वो 3 लेयर एक काम हो जाता है कि पहले किताब देना, पढ़ना, फिर उनका टेस्ट लेना,
और उसके बाद उनको प्राइज देना, तो एक वो अपने आप में स्कूल में भी फंक्शन हो जाता और स्टेट लेवल का फंक्शन भी हो जाता उससे। तो पहली बार 2017 में 5,000 बच्चे अपीयर हुए थे, दूसरी बार 10 हो गए थे और तीसरी बार 2019 में 20,000 जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उसमें अपीयर हुए थे। तो वो एक ही दिन पूरे पंजाब में हम वो उसकी परीक्षा लेते हैं। तो अभी उसके बाद इसके कोविड की वजह से हम विद्यार्थियों में जा नहीं पाए और अब क्योंकि फिर थोड़ा टाइम मिला है तो हम तैयारी कर रखी है, हमारी किताब रेडी है जो लेके जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, बस एक दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, अगर थोड़ा पीछे जाऊं तो दूरदर्शन, जलंधर दूरदर्शन के ऊपर हमारे 13 एपिसोड जो इसके जो हमारे पास केस आते हैं मानसिक रोगों के या जो भूत प्रेत वाले के नाम के ऊपर जो लोग बीमार होते हैं उनको हम ठीक करते हैं, तो उनकी सच्ची कहानियों के आधार पर हमने 13 एपिसोड जो चले जलंधर दूरदर्शन से, और वो उसकी व्यूअरशिप जो दर्शकों की गिनती थी शायद 40 लाख से भी ऊपर थी। और उसके बाद हमने एक और सीरियल बनाया था जो एक निजी चैनल के ऊपर चलाया था और इस सारे प्रोग्राम की सीडियां बनाई और उस समय लोगों को दी और विद्यार्थियों को प्राइज के तौर पर भी दी। और अब हमारा तर्कशील टीवी हमने शुरू किया है जो सोशल मीडिया का नए नए ढंग तरीके आ गए हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर वो सभी की सभी वीडियोस डाल दी गई हैं, वो देखी जा सकती हैं। तो एक तरह से वो सीरियल बनाना, फिर सीरीज बनाना और अब तर्कशील टीवी पे काम करना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जो ऐसे धारावाहिक बनाना। और उसके बिना जो तर्कशील मैगजीन है वो अपने आप में एक बड़ा काम है जो पिछले तकरीबन 33 साल से 1986 मई जून में हमने पहला जो उसका अंक निकाला था और अब तक जारी है, और उसकी गिनती जितनी बढ़नी चाहिए उतनी तो नहीं, फिर भी सेटिस्फाइंग है वो फिगर के 15,000 के करीब पंजाबी और हिंदी का जो हमारा निकलता है मैगजीन। और अगर एक घर में जाता है तो अगर 2 या 3 लोग भी पढ़ते हों तो मेरे को लगता है कि उसकी रीडरशिप शायद 25,000 से ऊपर होगी। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। और मैं एक जाते जाते एक और छोटी सी बात कहूँगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का हमको एक या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए या कम से कम हमको आपके हामिद जी के जरिए या राहुल फराद जी के जरिए, ये हमको एक जगह पे सभी के पास हमारे जो है ना फोन नंबर कॉन्टैक्ट जरूर होने चाहिए ताकि कभी भी हम आप एक दूसरे से अपने कल्चर की बातें, अपने तजर्बे, अपने काम करने के ढंग तरीके एक दूसरे शेयर करें और इसको और तेज कर सकें अपने काम को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत जी, आपने जो बात रखी तर्कशील के काम के बारे में हमें बताया, और इस चीज का भी हमें बहुत आनंद है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से, वहां जाके आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तर्कशील विचार उन लोगों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है, और वो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की शहादत की मेमोरी में आप कर रहे हो, तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। काशीनाथ सर को हमने बीच में इंटरव्यू किया था, उनसे विनती करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमीद दाभोलकर जी। जैसा कि मैं पहले ही बातचीत कर रहा था कि सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि हम जो वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग कर रहे थे अभी कोविड वॉलंटियर्स के नाम से, उसमें आप और आपका टीम लगातार हमारे साथ रहा। मैं अपना बात को सबसे पहले शुरू करूंगा कि जब हम कोल्हापुर गए थे और कोल्हापुर में हमारा राज्य सम्मेलन, उसके पहले भी हम लिगनूर में 4-5 बार जा चुके हैं क्योंकि वहाँ कन्वर्जेंस का ट्रेनिंग वगैरह में, तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के बहुत सारे साथी हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ मिल करके काम करते हैं। और जब मैं लौट रहा था वहाँ से कोल्हापुर के लिए, तो जो गाड़ी में जो साथी आ रहे थे वो भी अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य थे। तो हम सबसे पहले अपने बातचीत में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के शहादत दिवस और उनको श्रद्धांजलि के साथ
हम अपने बात को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमको बातचीत करने का मौका दिया, और ये जो अंधश्रद्धा और तर्कशील समाज बनाने का बात है, ये बड़ा कठिन संघर्ष है, और ये संघर्ष घर से ही शुरू होता है। इसका संघर्ष का शुरुआत घर से ही होता है, और ये कोई आसान बात भी नहीं। जो भारत ज्ञान विज्ञान समिति और अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क का जो अनुभव है काम करने का, क्योंकि हमारे में अभी हमारे साथ केएसएसपी के प्रेसिडेंट भी बातचीत रखेंगे और विवेक जी भी हैं, लगातार जन विज्ञान नेटवर्क इस काम को कर रहा है समाज में। लेकिन 20 अगस्त जो हम लोगों ने 2018 से वैज्ञानिक जागरूकता दिवस के रूप में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के शहादत दिवस को जोड़ करके इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, और उस समय से हम लोगों ने इसको एक और महत्वपूर्ण आयाम देने का कोशिश किया। लेकिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत कहाँ से किया और इसका राजनीति क्या है, दो तीन बातों से हम शुरू करेंगे। एक्चुअल हम झारखंड के धनबाद से आते हैं। धनबाद आप जानते हैं कि कोयलांचल है और पूरा के पूरा माफिया नगरी। तो जब वहाँ हम लोग लिटरेसी कैंपेन कर रहे थे, तो आप जानते हैं आप सारे साथी की डायन प्रथा है वहाँ। डायन कह करके महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनका जीवन को खत्म किया जाता है, ये स्थिति होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ एक घटना मैं बताता हूँ। तोपचाची एक ब्लॉक है जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने धनबाद का अर्थ होता है कि लोग सोचता है पूरा के पूरा कोल बेल्ट है, लेकिन नहीं, वहाँ भी एग्रीकल्चर का भी क्षेत्र है और बहुत जंगल भी है बहुत जगहों में। तो पेड़की देवी एक विडो महिला थी जो हमारा लिटरेसी सेंटर में आती थी, लेकिन उसका बहुत सारा जमीन था और उसकी बेटियां थी, और उसको जो है डायन कह करके वहाँ पूरा पंचायत उसको घुमाया। जब हम लोग को जानकारी मिला तो हम लोग उसमें जाके हस्तक्षेप किए, पूरा लिटरेसी एक्टिविस्ट और ज्ञान विज्ञान समिति के लोग, और एक बड़ा फाइट हुआ वहाँ के लैंड माफिया के साथ, क्योंकि उनका नजर वहाँ के जमीन पर था, उनका जमीन पर, कि इस विधवा को अगर डायन करके प्रताड़ित करेंगे, गांव से भगा देंगे, तो ये चली जाएगी और इसके जमीन को हम लोग कैप्चर कर लेंगे। हम लोगों ने उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया, अपने ऑफिस में बुलाया, और उसके बाद रख करके प्रेस तक जाना, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना, और उसके केस में लगातार मदद करना। तो एक लंबी लड़ाई होती है जो अंधविश्वास का बाजार है। दूसरा क्या है कि हम लोग के साथ एक साथी है डॉक्टर नयन मुखर्जी, झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है धनबाद, और वो पुरुलिया में है पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के साथ जुड़ करके। तो एक स्टेशन था जिसको भूताहा स्टेशन माने घोस्ट स्टेशन माना जाता था, उसमें रात को रह करके और स्टेशन को साबित करके कि ये स्टेशन में कोई भूत नहीं है, आज वहाँ स्टेशन में गाड़ी वगैरह रुकने लगा है और लोग चढ़ने लगे। तीसरी बात, बहुत बड़ा व्यवसाय है झाड़ फूक का, झारखंड और बिहार ऐसे जगहों में। आप ये कह सकते हैं कि जहाँ भी, और अंधविश्वास सिर्फ निरक्षर लोगों के बीच नहीं है, असाक्षर लोगों के बीच नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोगों के बीच भी अंधविश्वास है। तो इस अंधविश्वास के विरुद्ध जब हम लोगों ने लिटरेसी काम के बाद, जब पोस्ट लिटरेसी काम माने जनवाचन पुस्तकालय आंदोलन शुरू किया, तो हम लोगों ने इसके साथ माने आग पर चलना, आग खाना, माने पूरा माने ट्रेनिंग दे करके लोगों को समझाना शुरू किया सब जगह, और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारे एक्टिविस्ट को इस प्रकार के ट्रेनिंग दे करके, और इस तरह जो आग खाना, ताबीज निकालना, बाकी चीज करना, ये सारे के बारे में बताना, और बताना कि ये सारा के चारा माने ट्रिक है, खेल है, और इससे लोग इस पर ये करते हैं। तो इस तरह से जो हिंदी क्षेत्र में हम लोगों ने विज्ञान आंदोलन और तर्कशील समाज बनाने का काम शुरू किया। लेकिन हम लोग का जो अनुभव है वो यह है कि इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाहे वो ताबीज बेचने का मार्केट हो, चाहे वो झाड़ फूक का सामान बेचने का मार्केट हो, और इनके साथ लड़ने के लिए उस तरह का समाज और उस तरह का नौजवानों का एक टीम। तो ये हमारा करीब 10-12 साल से इस तरह का काम हिंदी प्रदेशों में चल रहा है। लेकिन ये लड़ाई बहुत कठिन है, क्योंकि अंधविश्वास का जकड़ गरीब और मध्यम वर्ग सारे लोगों में है। एक तो बात ये, दूसरा बात, जब हम लोगों ने शुरू किया हमारा
ये कोविड के समय में, कोविड काल में, जिसमें डॉक्टर हमीद दाबोलकर का जो है बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, लगातार वो हमारे ट्रेनिंग में रहे, आपकी टीम रही, तो हम लोगों ने ये समझा कि सोशल वैक्सीनेशन का, सोशल वैक्सीन बहुत जरूरी है। सोशल वैक्सीन का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ जब कोविड आया तो वैक्सीन लेना है, लेकिन दूसरे तरफ जबरदस्त अंधविश्वास भी फैलाया जा रहा था, तरह तरह के बातों को लेकर करके मैदान में आया जा रहा था। तो हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि हम ट्रेनिंग से, और आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो लगभग हम लोगों ने 100,000 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग किया है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के बीच लगातार संवाद करें और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, और एक सोशल वैक्सीन के रूप में, मैंने जो अफवाह फैलाया जाता है, जो सूचना भ्रांति फैलाई जाती है, उसके विरुद्ध में हमारे जो वॉलंटियर से वो लगातार काम करते रहे, सिर्फ कोविड नहीं बल्कि अंधविश्वास के विरुद्ध भी काम करते रहे। ये लगातार मैंने हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो एक बड़ा बाजार है उसको तोड़ना आसान बात नहीं है, और बड़ा मैंने एक बहुत बड़ा समुदाय इसको विश्वास करते हैं, और इसमें गरीबी के साथ साथ अंधविश्वास ये दो चीज महत्वपूर्ण कारण है। हम लोगों का एक नरेंद्र दाबोलकर जी के शहादत के बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि उनका जो किताबें हैं जो हिंदी में बड़े पैमाने पर है, उनको लेकर के नौजवानों में वाचन करना, और इस बार जो अभी हमारा शुरू हो गया है अगस्त माह में, अभी जो सबसे बात जो हमारे अशोक जी रख रहे थे कि अभी ज्योतिष के बारे में इग्नू में पढ़ाई शुरू हुआ है, और हर जगह सबसे पहले ये हमारे झारखंड में ही रांची विश्वविद्यालय में इस कोर्स को, उस समय अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर थे और हम लोगों ने जबरदस्त विरोध करके इसको रोक दिया था, झाड़ फूक डिपार्टमेंट वो एक शुरू करना चाह रहे थे वहां, तो अभी तो यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ा लड़ाई है, और अभी भारत ज्ञान विज्ञान समिति और अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क पूरा, यह अगस्त का जो माह है जो 1 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया है, पहला सिग्नेचर कैंपेन, मैंने ज्योतिषी के विरुद्ध कि ये कोर्स में नहीं आए, इसका पढ़ाई नहीं हो, इसका एक बड़ा सिग्नेचर कैंपेन हम लोग ऑनलाइन भी चला रहे हैं और ऑफलाइन भी चला रहे हैं। पहला बात तो ये है। दूसरा है कि हम लगातार मैंने 18 से आज से जो शुरू हुआ है 19 तारीख तक हम ऑनलाइन माने 10, 11 और 12 को भी कई व्याख्यान हम लोगों ने रखा था राष्ट्र स्तर पर, अब राज्य स्तर पर 19 तारीख को डिजिटल व्याख्यान होगा, और उसके बाद हम लोग फिजिकल और हाइब्रिड दोनों ढंग से 20 तारीख को इस कार्यक्रम को नीचे तक ले जाएंगे, और ये पूरा एक माह का कार्यक्रम चलेगा, और हम डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकर का जो शहादत दिवस है उसको हम याद करेंगे, अंधविश्वास भगा, और जो ज्योतिष का पढ़ाई सरकार लाने जा रही है, सरकार खुद अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है, तो इसको लेकर के हम लगातार चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। तो हमको लगता है कि जो हमारे पंजाब के साथी जसवंत जी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप लोगों का जो अनुभव और हम लोग का जो अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क का अनुभव, हम लोग मिल करके लगातार 1 साल तक इस कार्यक्रम को, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष पूरा हो चुका है, और इस 75 वर्ष में हम लोगों ने बहुत पाया है, लेकिन इस समय बहुत खोने का भी सिलसिला शुरू हुआ है, सारे चीजों को जोड़ करके। तो हम ये कहना चाहते हैं साथियों को कि यह बहुत हमारा महत्वपूर्ण व्याख्यान है, और हमारा जो सच्ची श्रद्धांजलि है डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकर को जोड़ करके कि हम इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क से, भारत ज्ञान विज्ञान समिति से, गांव-गांव इस संवाद को ले चलेंगे, और डॉक्टर हमीद दाबोलकर जी से हम आग्रह करेंगे कि हम लगातार इस कार्यक्रम में आपका भी हमें मदद चाहिए कि हम लगातार संवाद इसको जारी रखें, नौजवानों में इसको लेकर के जागरूकता का कार्यक्रम हम करते रहेंगे। कहते हुए पुनः आप तमाम साथियों को धन्यवाद देते हुए और डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए हम इनके कामों को लगातार बढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत शुक्रिया काशीनाथ जी, आपने जो बात रखी हम सब ये समझ सकते हैं कि जिसे भारत का, हमारे देश का हिंदी भाषिक बेल्ट बोला जाता है, वहाँ इस तरीके का काम करना ये कितनी बड़ी चुनौती है।
धर्म के नाम पे अधर्म फैलाने वाली बहुत सारी शक्तियां वहां संगठित तौर पे काम करते हैं, और झारखंड जैसे स्टेट्स में, धनबाद जैसे जिलों में जाके ये काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब साथ जुड़ रहे हैं और ये काम आगे चल के साथ में डेफिनेटली ले जाएंगे। तो अभी हमने पंजाब से बात सुनी, झारखंड से बात सुनी, अभी देश के और एक दूसरे कोने में जाते हैं, केरल से हमारे और एक साथी जुड़े हैं। तो आई विल लाइक टू वेलकम मिस्टर ओएमएस शंकरन, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ केएसएसपी। केएसएसपी एज ऑल ऑफ अस नो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पायनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन रैशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड देयर फॉर मोर देन 30 years। His current president, Mr. Shankaran, is current president of KSSP. The unique approach they have adopted for spread of scientific temperament, where they have utilized the cultural as well as art related expression as important vehicle for spread of scientific temperament. I myself have been visited to Kerala many a times. And participated in KSSP programs. The way they organize their state level conferences, just witnessing them is a very humbling experience, I must say, Mr. Shankaran. When I had visited one such program, what I can distinctly remember, the whole dhan, the whole rice for that program was cultivated by local community and given over to KSSP as the social contribution. तो ये विचार जो है कि समाज के साथ जुड़ के ये काम करना है, समाज को participate करके ये काम आगे लेके जाना है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा KSSP का organizational approach है। हम सब लोग सीखना चाहते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे बुक्स पब्लिश की जाती है केएसएसपी से, उनका कला जत्था है, और ये सब प्रोग्राम मिस्टर शंकरन लीड करते हैं। सो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर ओएमएस शंकरन टू एनलाइटन अस विद हिज स्पीच। ओवर टू यू मिस्टर शंकरन, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट आहेत नाही, अनम्यूट नाही आहेत। आपकी आवाज, हाँ, वी कांट हियर यू। Will you try without headphones? Can you hear me? Yeah, very clearly. Okay. From this distance, okay? Yeah. Thank you, Mr. Dr. Hamid Dabhankar. I do remember Dr. Hamid coming to our program in one of our annual function and participating in an inaugurating function in Kasaragod district. Anyway, let me first of all tell you that I'm not in a position to speak in Marathi or even in Hindi. Although I can understand Hindi, I may not be in a position to deliver through that language. I'm sorry for saying. So please allow me to speak in English. The chairperson chairperson Dr. Vivek Monterio, Jasun Bukhalin, Dr. Kashinath Chatterjee, and Dr. Amit Dabulkar.
I'm happy that Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti has invited Kerala Shastra Sahitya Parishad for the program conducted as a part of Dr. Narendra Dabulkar Tyagaran Saptah. We KSSP activists salute the cause for which Narendra Dabulkar stood for. This program, I know, that is a part of Dr. Narendra Dabulkar's day, which is on 20th August, the day on which Dr. Dabulkar was murdered. I once again salute. I have been asked to speak on the major activities of Kerala Shastra Sahitya Parishad, which contribute to the science temperament program. Can you hear me? You can hear me? Yes, we can hear you. Okay. Yeah, yeah. We can hear you. KSSP had its origin in 1962. The immediate reason for its formation was the need of a few activists to write and publish science articles in Malayalam, which is the mother tongue of Malayalis in Kerala, so that science can be taken to the masses. As of now, KSSP is nearing 60 years by next year, with a membership of 60,000 persons. During all these years, this organization has been striving to take the benefits of science and its methodology to the masses so that it could help them to improve the quality of life of the poor people, poor ordinary people in the state, thereby giving meaningfulness for the slogan, Science for Social Revolution, which KSSP coined way back in 1973. Of late, especially after the COVID pandemic situation, we have identified the importance of science, both the content of science and method of science. That was when the central government institutions were celebrating obscurantism, superstitions, and unscientific thoughts in this country whose constitution stands for imbibing scientific temperament among its citizens. KSSP has been, over these years, resisting all the above efforts of the authorities and going to the people to inculcate scientific bent of mind in the society. KSSP believes that science must give hope to the people. It must help them to solve the problems faced by the individual and the society. It must develop optimism in society. It must help them to question injustice, strive for human dignity. Hence, all the activities undertaken by KSSP are one way or the other related to content of science, process of science, and thus helping people to transform the society of which she is a part. The activities of KSSP can be broadly classified as given below. One, propagation of gains and content of science. This is done through various publications and classes. KSSP is publishing 3 magazines, Eureka for primary school children, Shastra Kerala for secondary school students, and Shastra Gadi for adults, including university level students. We have been publishing these for more than 50 years continuously without a break. Luca, an online magazine, which is only a recent origin, is also very popular. Books in science and social science have been brought out by the organization in large numbers in Malayalam. Books like Yentugundu, Yentugundu, Yentugundu. In English, it means why. Shastra Kauduka, Curiosity of Science. Vaichalum, Vaichalum, Thira Tapustu. The book that never can be read out.
finished, read out, etc., are only a few words. Some of these have been printed more than 1.5 lakh copies. We regularly plan classes in various subjects like the earth we live in, live on, its physical, its biological, and social aspects. This helps people to know the environment they live in and know how the earth originated and how the evolution of life occurred on this earth as we see it today. Second type of activities are intervention in the field of education. KSSP believes that education is for transforming the existing society to lead a happier life tomorrow. Hence, we have been critically examining the examining the content, process, structure, and policies of education in the state. While raising such issues, we proposed alternatives to the existing ones, not just criticizing. We proposed alternatives to the existing ones. KSSP strongly stood for the National Curriculum Framework of 2005, where critical thinking was integrated into the curriculum transaction in Indian schools. We also developed an education commission report under the chairmanship of Dr. Ashok Mitra to critically examine the education scene of Kerala. At present, a campaign called Makkal Koppam, this literally means that in the company of our own children, is going on in Kerala to support parents of public schools. The government has received it. Your parents are given support to help their own children to overcome the mental, social stress in the home environment since the schools are not functioning in the pandemic period. Third type of activity is science in daily life. KSSP developed what is called Parishat Chula, Parishat Adupu in Malayalam, for increased fuel efficiency and existing one of the existing ones. Integrated Rural Technology Center, IRTC for short, a rural research center sponsored by KSSP, developed this particular chula to replace the conventional one. It is very popular in the state. This chula, apart from saving women in kitchen from inhaling gases like carbon monoxide, helps them to manage the kitchen with lesser stress for the body. Also, it's a fight for conserving the forest since more fuel efficiency implies use of lesser amount of firewood. IRTC has also developed hot boxes, biodegradable waste management strategies, preparing soaps using soap kits locally, biogas plants, recharging wells using rainwater, etc., etc. Almost all these activities are popular among households and in households in the state. Unscientific and unethical practice in the field of health has also been targeted by KSSP. Now, fourth type of activities, exposing the pseudoscience activities. We know that there are many traditional practices and superstitions in society which has no scientific basis. Some of them like faith in horoscopic predictions even work against the progress of society. We have been trying to expose them through various classes given to people and publishing books and pamphlets and fifth type of activities, identifying social issues and suggesting solutions. Social issues like illiteracy, absence of democratic decentralization, unscientific practice in the field of health, education, gender, environment protection, etc., have been brought to the public domain for active discussion. This was an opportunity for KSSP to float new and creative alternative solutions. Some of the suggested solutions
were tried out in actual field situation. Ernakulam literacy program and decentralized planning in the state are just two examples. Six type of activities that KSSP is undertakes is environmental issues and problems. Silent Valley agitation in 1970, he was instrumental in increasing the new awareness among Keralites in the area of environmental protection. Since then, many such issues have been taken up by KSSP, like the protection of eastern ghats and its unique ecology. And seventh type of activities are programs for the development of scientific awareness among children. Eureka and Shastra Keralam, which are the two magazines that we publish for the benefit of school children, are two science magazines published regularly by KSSP. It delivers science in a different way that develops scientific temperament and critical thinking about children of school-going age. Also, Vijnanotsavam. Vijnanotsavam literally means science talent search examination, are conducted every year in schools in collaboration with the education department of the state. Balvedi is a forum of children. Balvedi is a platform for experimenting how to do science communication with kids through varied media of play, debates, stories, songs, simple experiments, etc. Recently, Luca, which is an online magazine of KSSP, have explored the ways to interact with children through what is called Putti Luca. Putti means kid, Putti Luca means kid Luca. Another type of activities, cultural activities to take science to people. Messages propagated through cultural forms like skits, plays, songs, etc. These are called Kalajatha in Malayalam, create a strong impression in the minds of human beings. This has been an experience of KSSP also. From 1980, KSSP has adopted various art cultural forms for developing critical thinking, science temperament, empathy towards less privileged ones, gender equality, social consciousness, environmental awareness, etc., among all sections of society. In short, all our activities have a strong and inseparable element of creating a scientific temperament in students and people at large. KSSP is planning to take forward all the above activities with commitment and zeal in the years to come, especially during the next year, which is the 60th year of our existence in Kerala. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Thanks a lot, sir, for your illuminating thoughts. I think it's KSSP is almost double in its existence as far as years are concerned compared to MANS, and there are quite a few things which we like to learn from you. So many thanks for joining us and this illuminating thoughts. अभी इस प्रोग्राम के अंतिम चरण में हमारे जो आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं विवेक मोंटेरो सर, हम सब लोग उनको जानते हैं और मेंशन करना बहुत जरूरी है. मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है AISPN के साथ मिलके ये 20 अगस्त नेशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट डे करके जो ऑब्जर्व किया जाता है उसमें, और गए 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में
ये विचार जो है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का जो काम है वो पहुंचने के लिए ये जो मूवमेंट है नेशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट डे के दिन से हफ्ते में कई बार कई राज्यों में तो पूरे महीने भर ये काम किया जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है विवेक मोंटेरो सर का। हम ये भी जानते हैं कि वो खुद एक ट्रेंड साइंटिस्ट है, लेकिन जो काम करते हैं ट्रेड यूनियंस का, तो ये एक बहुत ही अजीबोगरीब मिश्रण है कि जहां एक साइंटिस्ट अपना प्रोफेशन करके ट्रेड यूनियनिस्ट बन जाता है और सीटू के साथ बहुत वर्षों से जुड़े है, वो महाराष्ट्र स्टेट सीटू के सेक्रेटरी रहे हैं, अभी है नेशनल सीटू के बोर्ड मेंबर है, कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं, और आज के हमारे प्रोग्राम के लिए उनसे ज्यादा एप्रोप्रिएट अध्यक्ष नहीं मिल पाता हमें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विवेक मोंटेरो सर से कि वो अपना अध्यक्षीय मनोगत हमारे सामने रखें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद अमित भाई। ये कार्यक्रम देखने के लिए मेरे ख्याल से पूरे भारत में लोग बैठे हैं, और इसलिए मैंने ऐसे तय किया है कि मैं दोनों भाषा में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में, मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। जसवंत जी और काशीनाथ जी ने हिंदी में अपनी बात रखी, OMS ने अंग्रेजी में रखे, तो इन कंक्लूजन आई विल speak in both languages, and if I speak in English, then I will very briefly summarize in Hindi. If I speak in Hindi, then I will very briefly summarize in English. हमारे भारत में आज सभी प्रांतों में National Scientific Temper Day, अखिल भारतीय वैज्ञानिक सोच दिवस ये मनाया जा रहा है, और इसलिए हमारे सामने एक समस्या है कि हम कैसे ये सभी प्रांतों में, सभी जिलों में हम पहुंचे। सो लेट मी बिगिन बाय डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एज टू व्हाई डिड वी चूज, व्हाई डिड ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क चूज August 20th to propose as the National Day of Scientific Temper. Not only because of Dr. Dabholkar's bravery and his deep sacrifice, but I want to point out that it was his contribution to promoting scientific temper that was the main reason why we decided to choose this day. The All India People Science Network decided to choose this day. And I will give three reasons why this day is particularly important. The three contributions, major contributions of Dr. Narendra Dabholkar. One of the subjects for this year's observance, there are two subjects which have been chosen. One is promote astronomy, not astrology. The second is we cannot fight COVID-19 without scientific temper. Do prashn par is saal ke vaidyanik soch divas manaya ja raha hai. Pehla prashn ye hai ki khagol shastra ko aap बढ़ाइए, फल ज्योतिष नहीं, और दूसरा है कोविड कोरोना के खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो वैज्ञानिक सोच के बगैर आप ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। आई डू नॉट नो इफ ऑल द लिसनर्स हियर आर अवेयर दैट डॉक्टर दाभोलकर हैज मेड वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोजिंग एस्ट्रोलॉजी। There was a paper
that he wrote with three co-authors. One was Professor Darlikar, and Dr. Dabholkar was the second author. There were two more authors who wrote a scientific paper which was published in Current Science in 2009. It was one of the finest papers exposing astrology. Dr. Dabholkar has given a beautiful definition of scientific temper. In Marathi, it goes, Jevda Vishwas, Jevda Purava, Tevda Vishwas. Jitne Praman, Utnahi Vishwas. As much evidence, only to that extent, belief. In other words, if we want to believe in something, we have to put it to the scientific test. We have to see whether it can be accepted as evidence. And there was this paper written by Professor Narlikar, Dr. Dabholkar, and others, where they posed a challenge, posed a test to the Conference of Astrologers, which was meeting in Pune at the time. And I will not go into details about what was the test. It is there, these details are there on the AIPSN website. Several dozens of astrologers came forward to take the test, and all of them failed. The predictions that they made were not any better than what one could make by tossing a coin. And thereafter, the Maharashtra Andhashraddha Nirmulan Samiti has put up a challenge on their website with a prize. I think it is now something more than 10 lakhs of rupees. And any astrologer can come forward and take that test. If he passes the test, he can win more than 10 lakhs of rupees. But of course, there is a condition that he must put 10,000 rupees as a deposit. If he fails the test, he loses that deposit. Till date, no astrologer, nobody has come forward to take that test. So if you're not willing to subject yourself to scientific test, then you cannot claim to be scientific. Dr. Dabholkar or Professor Narlikar ne jo ek pariksha banaye hain, aur ab tak koi jyotish shastra, fal jyotishi aage aaye nahi us pariksha ko lene ke liye, to ye spasht hua hai ki agar aap pariksha lene ke liye taiyar nahi hai, to aap khud ko जो है उस पर जो आपका विधान है उसको आप वैज्ञानिक आप नहीं कह सकते हैं. यू कैन नॉट क्लेम टू बी साइंटिफिक अनलेस यू आर विलिंग टू टेक द टेस्ट. एंड बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट विलिंग टू टेक दिस साइंटिफिक टेस्ट, वी कैन सेफली से एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड इन अ ब्यूटिफुल वे दैट एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट क्लेम टू बी अ साइंस. आपको अगर फल ज्योतिष में विश्वास करना है तो जरूर कीजिए, मगर आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि फल ज्योतिष वैज्ञानिक है. सो टुडे इन दिस ईयर व्हेन वी आर टेकिंग एस्ट्रोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस वर्क ऑफ दाबोलकर इज वेरी रेलेवेंट. द सेकंड रीजन आई मेंशन्ड अर्लियर, ही हैज गिवन द ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, विच इज यू बिलीव ओनली आफ्टर टेस्टिंग. अगर किसी पर विश्वास करना है तो परख कर लो, अजमाइए, परीक्षा ले लो, परीक्षण करो, प्रयोग करो. अगर आपने प्रयोग नहीं किया, परीक्षा नहीं लिया, तो आप उस पर विश्वास नहीं रख सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से भी विश्वास नहीं रख सकते हैं. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन माय ओपिनियन, there are many people who write about scientific temper. There are many people who write about science,
for the popular audiences, who speak on science for the popular audiences. But Dr. Dabholkar was a person who was a pioneer in how to take scientific temper to the common masses. And he took it in his lectures. I have had the honor of translating two of his lectures, which were in Marathi originally, into English. They are there on the AIPSN website. These lectures have then been translated into most of the Indian languages: Tamil, Malayalam, Kannada, Odia, Bangla, Assamese, Hindi, of course, Urdu. And all these translations are available on the website. In one of these lectures, he asks the audience the following question. He says, supposing I want to go to a place like Armori, which is there in Chandrapur, and I don't know how to get there. I want to go there. Mujhe Armori jana hai, mujhe pata nahi hai ki wahan pe kaise jaye. To maine ek shakhs ko pucha ki hum kaise jaye wahan pe. To unhone kaha ki आप ऐसे ऐसे जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे, वहां मुड़ेंगे और फिर आप आर्मोरी पहुंचेंगे. तो मैंने वो पहले शख्स से पूछा कि आपको कैसे पता है. उन्होंने जवाब दिया कि 4 महीने पहले मुझे एक सपना गिरा, एक ख्वाब गिरा, और उस ख्वाब में, उस सपने में मैं आर्मोरी इस रास्ते से पहुंचे. तो फिर आप एक दूसरे शख्स के पास जाकर के उनसे पूछते हैं कि मुझे आर्मोरी जाना है, वो भी एक रास्ता बताते हैं. आप उनसे पूछते हैं आपको कैसे पता है, तो वो कहता है कि मैं 2 महीने पहले एक बस अड्डे पर खड़ा था और मेरे सामने 2 व्यक्ति थे जो इस पर बहस कर रहे थे, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा था कि मैं इस रास्ते से गया और मैं आर्मोरी पहुंचा. तो फिर वो तीसरे शख्स से पूछते हैं कि मुझे जाना है, आप कैसे जाएंगे, तो वो भी बताते हैं और कोई अलग रास्ता बताते हैं. तो उनसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता है, और वो कहता है कि 4 दिन पहले मैंने किसी को पूछा कि आर्मोरी कैसे जाना, और उसने मुझे बताया था कि आप ऐसे ही जाएंगे तो आप आर्मोरी पहुंचेंगे. तो मैं एक चौथे शख्स को मैंने पूछा कि मुझे आर्मोरी जाना है, उसने भी मुझे बताया. मैंने उनको पूछा आप कैसे गए, तो वो शख्स ने बताया कि मैं कल ही आर्मोरी इसी रास्ते से मैं गया, और अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप आर्मोरी पहुंच जाएंगे. तो डॉक्टर दाबोलकर पूछते हैं कि ये चारों जो शख्स हैं आप किस पर विश्वास करेंगे. एज यू कैन सी इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ explaining how to believe and in what we should believe and in what we should believe less and in what we should not believe at all. But the interesting thing about this is that there is nothing about physics or chemistry or biology in this. He is using a common example from the life of common people. Aur aise udharan dekar ke Dr. Dabholkar pure aam janta ko वैज्ञानिक सोच क्या है उन्होंने समझाया है. इसलिए डॉक्टर दाबोलकर का एक अलग ही महत्व है. ही वॉज नॉट ओनली ए कम्युनिकेटर ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, बट ही वॉज कम्युनिकेटिंग साइंटिफिक टेम्पर टू द कॉमन मासेस, विच इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड मच मोर डिफिकल्ट. एंड दैट इज वाई फॉर ऑल दीज 3 रीजन विच आई मेंशन्ड, Dr. Dabholkar is perhaps the foremost worker for scientific temper in the post-independence period. And this is why we chose Dr. Dabholkar and his Shahadat Divas as the National Day of Scientific Temper. Now,
The last point, which is that Dr. Dabholkar was the person who was universalizing scientific temper, taking it to the broad masses, to broaden audiences, not just people who know about science, not just the science students. This is important. And my second point, which I'd like to raise here, is that today, the promotion of scientific temper is not just a constitutional duty, which it was under Article 51H. But today, it is actually a fundamental right of every Indian citizen, a fundamental right, not just a constitutional duty. This is because today, education of good quality has become a fundamental right under the Right to Education Act 2009, followed by the NCF 2005, which Brother OMS referred to. Education of good quality has become a fundamental right of every Indian citizen. And if you ask the question of what is good quality science education, can you have good quality science education without scientific temper? Clearly, the answer is no. So universalization of good quality science education, which is there as a mandate on every government, the state governments as well as the central government, this is something which today is under threat. And under threat from what? You will be perhaps surprised to hear that universalization of good quality education today is under threat from the new education policy 2020. Because under NEP 2020, universalization as a right has been eliminated. What we have there is only access, but we do not have universalization of outcomes, which is what RTE 2009 had promoted. So, it is with such challenges today that we are observing the National Scientific Temper Day 2021. The first was astrology, the second is COVID. There have been already some webinars held on the subject on the 10th and 11th of August. Two national webinars were held, which have already reached each of them around 3,000 viewers on the average, and it is growing day by day. There is a question here about, will you please elaborate that point, education policy 2020? Okay, I'll just spend 1 minute doing that. As I mentioned, under Right to Education Act 2009 and NCF 2005, which has been notified as a national curriculum framework under Article 7 of RTE, NCF 2005 defines good quality education, and RTE specifies what is good quality education. NCF 2005 says good quality education is that which delivers not just access, but it delivers quality outcomes. Agar shikshan vyavastha bachchon ko nahi padha raha hai, sirf bachchon ko school mein pravesh de raha hai, तो उनका शिक्षा के अधिकार प्राप्त नहीं होता है. उनको दर्जेदार शिक्षा मिलना ये अनिवार्य है. इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी गुड क्वालिटी आउटकम्स. गुड क्वालिटी आउटकम्स इज मिसिंग फ्रॉम एनईपी 2020. एनईपी 2020 टॉक्स ओनली अबाउट एक्सेस, व्हिच इज नॉट यूनिवर्सलाइजेशन. And that is one of the major reasons why we have to reject new education policy 2020. Even though there are words about scientific temper in NEP 2020, but universalization is absent, which is why we cannot accept it. So, main COVID ke bare mein
बात कर रहा था कि अगर हमें कोविड का सामना करना है, इफ यू वांट टू फाइट कोविड देन वी नीड साइंटिफिक टेंपर. दिस इज द मैसेज, द सेकेंड मैसेज दैट वी आर टेकिंग इन आवर कैंपेन दिस ईयर. एंड फॉर हैविंग साइंटिफिक पॉलिसीज टू फाइट कोविड, दैट पॉलिसीज हैव टू बी साइंटिफिक इज शोन बाय द डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. केरल के जो नतीजे हैं कोविड के बारे में और कोई प्रांत के जो नतीजे हैं उसमें बहुत फर्क है. इफ यू लुक एट द CFR, the fatality rate, it is 1/4 in Kerala as compared to the other states, at least 1/4. Aisa kyun? Why? This is a matter of policy, and this shows the need for not just a treatment, not just hospitals, but a policy at the social level, at the state level. Similarly, we look internationally, we see some countries have done much better. You compare, for example, the situation in Florida and the situation which is in the US and the situation in Cuba, which is only 200 kilometers away, to see the vast difference in the number of deaths. So it shows that these questions, which are questions of policy, and questions of policy are political questions, they also have to be examined scientifically if you want to fight COVID. And scientific temper is something which says that it means not just looking at questions of natural science, but actually looking at questions which are there in the sphere of economics, in the sphere of society, in the sphere of politics. It is looking at the entire spectrum of reality with the scientific method. So, शुरू में ये प्रश्न उपस्थित किया गया है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम आम लोगों तक कैसे ले जा सकते हैं. विज्ञान शिक्षण उसका आधार है, एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर हम बच्चों को विज्ञान सिखा सकते हैं. और जब विज्ञान सिखाते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उसी के साथ में वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक तरीका, तर्कशीलता, परखना, प्रयोग करना, हर प्रश्न का जो है प्रश्न पूछना और एक उसके लिए कुछ प्रमाण लेना, all these things, a basis can be raised in the science education which is taking place. But along with that, we have to be prepared to teach them scientific temper, which is you apply the scientific temper, you ask questions about all the important questions. Aur COVID mein agar aap aise prashn ko dekhenge, it is not just asking questions about what is a virus kaise banta hai, uska evolution kaise hua ya uska treatment kaise hoga. Saath saath mein agar isko harana hai to samajik नीतियां में हमें क्या है, और अगर सामाजिक और पॉलिसी हमें वैज्ञानिक तरीके से बनाना है तो साइंटिफिक डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइंस इज बेस्ड ऑन एक्यूरेट डेटा, एंड द वे इन विच टुडे डेटा इज बीइंग मिसयूज्ड अलोंग विद द कोविड पैंडेमिक, देयर इज अ पैंडेमिक व्हाट इज कॉल्ड एन इंफोडेमिक. That is a pandemic of wrong information, but I don't think we should call it infodemic, we should call it misinfodemic. A pandemic of spreading wrong information, of providing wrong data. And therefore, if we are promoting scientific temper, we have to challenge all the data which is coming from the various states. Aur ye bhi hamare is pure muhim ka ek hissa rahega. तो साथियों, मुझे आखिर में ये कहना है कि इस साल का जो NSTD है वो सिर्फ एक दिन का या एक हफ्ते का वो कार्यक्रम नहीं रह सकता है. जब तक कोविड हमारे बीच में है तब तक उससे हमें निपटना होगा.
मगर कोविड से निपटते साथ साथ हम वैज्ञानिक सोच का भी हम प्रचार कर सकते हैं. वाइल फाइटिंग कोविड वी कैन ऑल्सो प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर. वी हैव टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर टू फाइट कोविड बिकॉज साइंटिफिक टेम्पर इज लाइक ए वैक्सीनेशन. इट इज लाइक एन एंटीबॉडी विच फाइट्स ऑल द स्यूडो साइंस ऑल द मिस इन्फॉर्मेशन दैट वी आर ट्राइंग दैट दे आर ट्राइंग टू इन्फेक्ट सोसाइटी विद. And it is with this kind of antibodies that we can fight misinformation, that we can fight this battle of defeating COVID. और मैं आखिर में ये कहूँगा कि आज scientific temper की अत्यंत ज़रूरत है, क्योंकि पूरे दुनिया में जिस तरह से fundamentalist forces बढ़ रहे हैं, ये हम अफगानिस्तान में हम देखते हैं. Scientific temper और fundamentalism का एक सीधा टक्कर है. There is a direct confrontation between scientific temper and fundamentalism. The fight is not between scientific temper and religion. The fight is between scientific temper and religious hatred, communalism, communal fundamentalism, communal hate. And in this fight, scientific temper, along with other democratic ideologies, and there are many religious organizations which are also promoting democratic ideology. I would like to make that point here. So the fight is not between scientific temper and religion. The line is between democratic ideologies, of which scientific temper is an important part, and on the other hand, anti-democratic, authoritarian, hate-promoting ideologies. Ladai jo hai, dharm aur vaigyanik soch ke beech mein nahi hai. Ladai hai, wo jo Lakshman Rekha hai, ek taraf vaigyanik soch hai, aur wo sare jantantra ko badhane wale jo vichardharaye hain, jisme dharmik bhi aise kai vichardharaye hain, hamare Maharashtra mein संत तुकाराम के, केरल के नारायण स्वामी नारायण गुरु के, ऐसे पूरे भारत में ऐसे एक डेमोक्रेटिक रिलीजियस एक परंपरा है. और ये परंपरा और वैज्ञानिक सोच के जो परंपरा है वो भी एक काफ़ी पुराना परंपरा है. हम दोनों मिल करके ये धर्मांध जातिवादी मूल तत्ववादी जो विचारधारा है, जो हमारे सिर्फ हमारे देश में नहीं, मगर अभी हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में जिस तरह से अभी वो फैल रहा है, तो ऐसे तालिबानी जो अफगानिस्तान में या हमारे भारत में जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर दाभोलकर की हत्या, यही तालिबानी जो है, उनका नाम तालिबानी नहीं था, उनका नाम कुछ और था, मगर ऐसा ही विचारधारा, तालिबानी प्रकार की विचारधारा जो है, उन्होंने डॉक्टर दाभोलकर की हत्या की है. मगर हमें विश्वास है कि हम सब मिल करके वो भारत में हम उनका हम पराजय करेंगे. Perhaps those who murdered Dr. Dabolkar, they may have thought that they will intimidate the others who are working with his ideas, with these ideas. I think what the last few years have shown is that they cannot intimidate us. We will not be intimidated. We will be infuriated. We will be invigorated. And we will take this work to wider and wider circles. मुझे ये बात आपको बताने में खुशी है कि इस साल के जो NSGD observances हैं वो भारत में इन सारे प्रांतों में हो रहा है, और एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर हो रहा है. हरियाणा है, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र में तो है ही, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, आसाम के साथ में, इस साल में त्रिपुरा में भी हो रहा है, मणिपुर में भी हो रहा है. 21 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा है जहां पर दो मणिपुरी पत्रकार, उनका हम सत्कार करेंगे, एक किशोर चंद्र वैंखेम और दूसरा एरेंद्रो. इसलिए हम उनका सत्कार करेंगे, हमीद भाई के हाथ से उनका सत्कार किया जाएगा, कि उन्होंने ये बताया कि कोविड को आप गोमूत्र से और गोबर से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते. उन्होंने ऐसा लिखा, और उन्होंने ऐसा लिखा करके उनको जेल में बंद किया, मणिपुर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल वहाँ पर मणिपुर में राज कर रहे हैं, तो उनको जेल में बंद किया. सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दिया, तो उनका सत्कार हम करेंगे.
So the point that we are making through all these observances is that we will not be intimidated. On the contrary, now it is not possible to stop this work. It has reached all parts of India. We will take it much further. We will take it down to every district, to every taluka, and ultimately to every school, so that the new generation that comes up knowing, reading the lessons and the thoughts of Dr. Dabholkar, we will be building a new India. And that is why this year's NSTD is not a 1 day or 1 week program. It is a program that we have to take up the whole year. This year is also the 75th anniversary of our anniversary year of our independence. And that is something which we will observe by promoting scientific temper, all of us together, in a very systematic way. I would like to, as a thank the Maharashtra Andhra and Mulun Samiti for giving me this opportunity to share some ideas. And it is still not 20th of August. We still have a couple of days. All of you who are listening to us today, we would request you to please go to the AIPSN website. There are ways in which the NSTD can be observed. And thereafter, let us all work together in a very big way to take these ideas forward. And thus, we will be paying homage, true homage to Dr. Narendra Dabholkar. Thank you very much. Bahut bahut shukriya, Vivek sir. Aapne jo baat rakhi, mujhe lagta hai ke अंधविश्वास उन्मूलन समिति के जो कार्यकर्ता हैं, गए 30 सालों से नरेंद्र दाभोलकर के साथ काम कर रहे हैं, कर रहे थे, और उनके बाद भी ये काम बड़े निष्ठा के साथ आगे लेके जा रहे हैं। दो बहुत बड़े स्टेटमेंट आपने किए, मुझे लगता है कि वो अंडरस्कोर करना चाहूंगा मैं, के पोस्ट इंडिपेंडेंस साइंटिफिक टेम्परामेंट फैलाने में जो महत्वपूर्ण नाम है उनमें आप ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का जिक्र किया, तो ये MANS के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अभिमान की बात है। ये भी मैं स्पेशली अंडरस्कोर करना चाहूँगा कि इतने सारे राज्यों में ये जो विचार पहुँच रहे हैं, जो जिन लोगों ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल किया, शायद जिस उद्दिष्ट से उन्होंने ये कत्ल किया था उसके एकदम परे ये बात हो गई है कि ये विचार खत्म किया जाए, लोगों को डराया जाए, इस हिसाब से डॉक्टर इस विचार से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का कत्ल किया जा रहा था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू कश्मीर तक, तमिलनाडु से लेके झारखंड तक ये विचार आज पहुंच रहे हैं। AISPN का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रोग्राम के अंतिम चरण में हमारे सहकारी कार्यकर्ता प्रकाश घादगिनी जी को मैं विनंती करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। ओवर टू घादगिनी सर। अनम्यूट करा घादगिनी सर, अनम्यूट कर। आवाज सुनाई दे रही? हाँ बोलिए। राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद जो आज का जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। 20 अगस्त डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृति दिन पूरे देश में राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिन के रूप में मनाया जाता है। इसी वजह महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद आयोजित जो किया गया है। इस परिसंवाद का विषय जो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीज बोने में विज्ञानवादी संगठन की भूमिका। इस विषय में परिसंवाद के जो अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर वेक मंटरो, जो कि केंद्रीय सदस्य ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क के रहे हैं, उन्होंने जो अध्यक्ष स्थान घुसा है इसके बारे में मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ सहयोगी जो वक्ता है जो OMS शंकरन, जो कि प्रेसिडेंट केरल साहित्य शास्त्र केरल से जुड़े हुए हैं,
इसी के साथ जसवंत मोहाली सह संपादक तर्कशील पंजाबी मासिक और डॉक्टर काशीनाथ चटर्जी जो कि झारखंड के झारखंड से सेक्रेटरी भारत ज्ञान विज्ञान समुदाय के है, इन तीनों ने जो परिसंवाद में जो सहभाग लिया है, इन तीनों ने जो अच्छी बात बताई है, इसी के लिए मैं इन तीनों का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रस्ताव गीत जो सांस्कृतिक विभाग के जो है अन्ना कड़लस्कर ने जो गीत पेश किया है वो बहुत ही बढ़िया गीत सुनाया है, इसके बारे में उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। प्रास्ताविक डॉक्टर अशोक कदम जो बारसी से है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही अच्छा सूत्र संचालन जो हमारे साथी डॉक्टर हमीद दाबोलकर जो ने किया है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और तांत्रिक टीम के जो है अमोल जी, इन्होंने भी कार्यक्रम पूरा अच्छा पेश किया है, इसी के बारे में मैं उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। और सभी श्रोता का भी मैं पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी का साथ ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त किया जाता है। ओवर टू हमीद। मला वाटतंय उद्या आणि परवाच्या कार्यक्रमाची सूचना द्या हमीद, 20 ऑगस्टच्या कार्यक्रमाची सगळ्यांना।